नमस्कार दोस्तों, ये एक फीमेल पाम है। जनरली बर्थ सर्टिफिकेट तो नहीं कह सकते, स्कूल के सर्टिफिकेट में 27 साल इन्होंने मेंशन किया है, पर इनकी माँ कहती है कि एक साल बढ़कर लिखाया है, ये इनका कहना है। यानी ये 26 साल के है, ये एक फीमेल पाम है। इन्होंने कुछ सवाल पूछे है, गवर्नमेंट जॉब या एब्रॉड में ही? आपका जीवन भर एब्रॉड का ही जीवन नाता दिख रहा है, आप गवर्नमेंट जॉब में दिमाग लगाना छोड़ दीजिए। पूरी फेट लाइन और जीवन रेखा चंद्र पर जा रही है और पूरी फेट लाइन सूर्य पर्वत की ओर देख रही है, तो आप एब्रॉड के अंदर ही दिमाग लगाइए। हाँ, अगर आप गल्फ में काम कर रहे हो तो गल्फ के बदले और कोई कंट्री ढूंढिए, क्योंकि आपको एज लगभग 37 तक हर दो दो तीन तीन साल में एक एक साल में राहु रेखाएं काट रही है। गल्फ में रहोगे तो आपको ज़्यादा कष्ट होगा, और नॉर्थ पोल के आसपास की कंट्रियों में गए तो थोड़ा सा कम कष्ट होगा। कष्ट तो होगा पर थोड़ा सा कम होगा। सेकंड सवाल है, पैसे वाली बनोगी? 100% आप पैसे वाले बनोगे। अभी भी आपका जो परिवार है, मैंने आपसे कंफर्म भी किया क्योंकि सन माउंट पर फिश साइन दिखी और आपने एक्सेप्ट भी किया है, तो आप वही फिश साइन आपको पैसे वाली भी बनाएगी, तो पैसा आपके पास भरपूर आएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। किस फील्ड में सफलता मिलेगी? जब हमारे हाथ में सफलता वाली साइन हो तो कोई भी काम करो। अभी आप सेल्स एसोसिएट हो तो उस फील्ड में भी रहोगे तो सफलता मिलेगी, क्योंकि ये फिश साइन आपको काफ़ी उन्नति देगी। और आपका एक सवाल है, क्या मैं बड़ी पोजीशन मिल सकती है? बड़ी पोजीशन फिश साइन वालों को ही मिलती है, पर जीवन में चमत्कार स्टेप बाय स्टेप होते हैं। यानी कोई ये साइन है तो आप एक ही झटके में कोई MD पोस्ट पर नहीं पहुंचने वाले, स्टेप बाय स्टेप आपको जीवन में प्रोग्रेस मिलेगी और काफ़ी उन्नति करोगे। हाँ, बीच में उतार चढ़ाव भी है, कहीं पर किंतु परंतु भी है, वहाँ पर भी मैं फोकस करूँगा, वो बाद में हम क्लियर कर देंगे ये साइन है कि नहीं, क्योंकि एक जगह पर एक नेगेटिव साइन भी दिख रही है मुझे। 99% तो नहीं है पर चांसेस है, तो उसे बाद में भी, ये वीडियो के बाद भी हम क्लियर कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। पर ओवरऑल आपको अच्छी खासी सफलता मुझे हाथ में दिख रही है। एज 37 तक जीवन में स्ट्रगल रहेगा, उसके बाद जीवन में उन्नति होगी, अगर यव साइन नहीं रही तो, जो माइंड लाइन पर मुझे शो हो रही है। अब आपके ओवरऑल पाम का एनालिसिस करते हैं। जिस व्यक्ति के हाथ में ऐसी सीधी रेखा बने तो व्यक्ति बहुत ज्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। जिस व्यक्ति का पाम रेक्टेंगल होता है, ये दोनों तरह का है, रेक्टेंगल भी है, सेल्स और मार्केटिंग में एक्सपर्ट होते हैं और जो यही काम कर रही है, पर ये विदेश में कर रहे थे, अभी वेकेशन में ये आए हुए, और चौड़ाई रहती है तो व्यक्ति मेहनती भी होता है। फर्स्ट फैलें नुकीला कम है, इधर उधर ध्यान भी भटकता होगा, और सेकेंड फैलें छोटा है तो लॉजिक के साथ तथ्यों के साथ बात रखने में थोड़ा सा लो फील करते होंगे, और मांसल कम है तो अपने हितों की रक्षा करने में कहीं ना कहीं कमजोरी फील करता है। अब पाम के मुकाबले उंगलियां काफ़ी छोटी है तो फास्ट निर्णय लेने वाले होते हैं और हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है। जब किसी व्यक्ति की ये उंगली जुपिटर की बड़ी होती है तो व्यक्ति में सबसे बड़ा माइनस पॉइंट होता है ईगो प्रॉब्लम। छोटी छोटी बातों में इनको ईगो हर्ट होता है, ये बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। इससे इसके कारण परिवार में भी मतभेद क्रिएट होते, परिवार वाले भी पेन उठाते, और व्यक्तिगत जीवन में तो ये बहुत ज़्यादा पेन देती है, तो इसे आप रोग समझिए। जब भी इस तरह की कंडीशन आए आप निग्लेक्ट करने की आदत रखिए, नहीं तो आपको पेन ज़्यादा उठाना पड़ेगा बार बार ईगो से रिलेटेड। साथ में आपका जुपिटर माउंट भी खराब है, ये व्यक्ति को पारिवारिक और सांसारिक तकलीफें देता है, तो ये एक माइनस पॉइंट है, मैं इसका उपाय दे दूंगा आपको। छोटी उंगली फर्स्ट फैलाइन तक नहीं पहुंची तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन फाइलिंग चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति कमजोर होता है। अब इनके जो मेन पाम पर चलने के पहले जो मुझे दिखाई दे रहा है,
प्लस माइनस वो मैं पहले एक सब्जेक्ट उठा लूँ। इनके जीवन में ये एक लाइन अगर जॉइंट हुई होगी तो इस समय कोई ना कोई जीवन में इनके आया होगा। ये एज होगी लगभग 23 के आसपास, कोई ना कोई जीवन में दस्तक विजातीय व्यक्ति ने दिया होगा और उसके 5 साल के बाद भी कोई ना कोई विजातीय व्यक्ति टच में आएगा, यानी 28 की एज में। और एक और लाइन इनकी टच होते हुए दिख रही है, पर ये सारी कंफर्म नहीं है, मैं एक आभास फील कर रहा हूँ। और उसके बाद भी कोई ना कोई एक विजातीय व्यक्ति इनके जीवन में आ सकता है, उसकी एज होगी उस समय 31 के आसपास। ये एक मैंने जजमेंट एक फोटोग्राफ में दिखी तो ये जानकारी देने की कोशिश की। अब इसमें से कोई भी लाइन में आप शादी हो सकती है आपकी। उसके बाद ये एक नेगेटिव साइन मुझे नज़र आ रही है, पर 99% तो ये यव साइन नहीं है। यहाँ पर ये इस तरह से चलती होगी तो ये एक्स्ट्रा लाइन है, ये प्रेशर देगी आपको। ये लगभग आपके हाथ में एज 34 से लेकर 38 तक की ये स्थिति दिख रही है, 38 या 39 तक। अगर ये यव साइन होगी तो ये पीरियड बहुत ख़राब जाएगा, पर 99% ये यव साइन नहीं लग रही है। मैंने दूसरे फोटो भी देखने की कोशिश की, फिर भी हम ये कल भी इसको क्लियरिफाई कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 99% तो नहीं है। हाँ, यहाँ पर आपका जीवन प्रेशर में जरूर रहेगा, कोई ना कोई दबाव रहेगा अगर यव साइन नहीं रही तो भी। और यव साइन रही तो यहाँ पर आपको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अब इस फोटोग्राफ का तो मैटर यहाँ पर क्लोज हो जाता है। अब बुध पर्वत पर बहुत सारी लाइनें दिख रही है और बड़ी बड़ी लाइनें हैं, तो ऐसे लोग 2-4 भाषाओं के जानकार होते हैं, प्लस सुंदर होती है वाणी, एकदम मीठी होती है, स्पष्ट वक्ता होते हैं और सुंदरता भी देती है लाइनें, तो इतना सारा एडवांटेज इनके हाथ में है। एक अर्धशुक्र वलय भी है, ये व्यक्ति को थोड़ा सा मूड स्विंग का प्रॉब्लम भी देता है, सुबह अलग मूड होता है, शाम को अलग, दोपहर को अलग, रात को अलग। अब इनके फिश साइन भी इनके सन माउंट पर है, उस पर भी चलते हैं। एक यहां पर शो हो रही है, और ये अच्छी खासी है, तो समृद्धि, ओहदा, सब कुछ प्राप्त होगा और अच्छा खासा पैसा भी प्राप्त होगा। एक यहां पर भी है, दो, एक यहां पर भी है, तीन। और ये मैं कंफर्म कर चुका हूं, क्या जन्म के बाद माता पिता संपन्न बने थे, इन्होंने एक्सेप्ट भी किया, यस संपन्नता थी। तो आपको भी ये साइन है, बेनिफिट देगी देगी और देगी, तो पैसे के मामले में चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। और एक फोटोग्राफ है, उसमें भी देखने की कोशिश करते हैं। ये देखो यहां पर भी शो हो रही है, तो साइन आपके हाथ में क्लियर कट है ही है। एक यहां पर भी शो हो रही है, बहुत सारी फिश साइन है, अच्छा खासा बड़े लेवल पर आप पहुंचोगे। यहां पर भी संकेत है, पर ये किंतु परंतु में चली जाती है, यहां पर एक आभास सा हो रहा है, इससे ज्यादा नहीं। अब शनि पर्वत पर देखें तो सारी लाइनें सूर्य पर्वत की ओर जा रही है, तो आप गवर्नमेंट जॉब का दिमाग में से वो निकाल दीजिए, ये आपका इंटरनेशनल लेवल से ही पैसा कमाने का योग है। हाँ, पर हो सके तो देश चेंज कर लीजिए। 37 तक आपको बहुत सारी राहु रेखाओं ने काटा, हर 2-2 साल में एक राहु रेखा आपके जीवन में आ रही है और कंटिन्यू लाइनें हैं, तो बुढ़ापे तक इनकम जीवन में आती रहेगी। जुपिटर माउंट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, ऐसे लोगों को पारिवारिक और सांसारिक सुख
नहीं, यानी बहुत कम प्राप्त होता है। शादी भी करते तो बहुत सारी झंझटों का सामना करना पड़ता है, तो ये एक माइनस पॉइंट है, मैं इसका उपाय दे दूंगा। और यहाँ पर देखिए, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, पांच लाइन, छह लाइन, कई जगह से पैसा आपके जीवन में आएगा, सेवाभावी बनोगे, पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी में ध्यान जाएगा और धार्मिकता भी देगी ये लाइनें, तो ये सारा एडवांटेज आपके हाथ में है। अब अंदरूनी मंगल देखें तो अंदरूनी मंगल भी व्यवस्थित है, तो शरीर की ऊर्जा मध्यम से अच्छी रहेगी आपके पास, और थोड़ी सी लाइन है पर इतनी भी नहीं है कि जिसके कारण कोई उपाय करना पड़े, ये चिंता रेखा है पर बहुत ज़्यादा नहीं है। भारी मंगल काफ़ी उत्तम है, जब किसी से मिलोगे तो एनर्जी के साथ मिलोगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा। अब चंद्र पर्वत पर देखे तो काफी उत्तम चंद्र पर्वत है और साथ में पूरी जीवन रेखाई इस तरफ जा रही है, तो ऐसे लोगों का विदेश सेटलमेंट का ही योग बनता है। अब आप सोचिए, बहुत छोटी उम्र में ही विदेश चले गए, तो ये इसी तरह का हाथ है, ये भारत के नागरिक नहीं, किसी और देश के नागरिक बन जाएंगे ये। और यहां पर अगर क्रॉस होगा तो व्यक्ति को नेगेटिव फीलिंग आएगी, जीवन के प्रति डर लगता है, आज मैं जहां पर हूं वहां से नीचे गिर गई, तो इस तरह की फीलिंग देता है, इसका मैं उपाय दे दूंगा। और बहुत ज्यादा बुध रेखाएं हो तो थोड़ा सा एसिडिटी का प्रॉब्लम भी व्यक्ति में रहता है। और फिश साइन है, मनी ट्रायंगल की जरूरत नहीं, पर बहुत सारी बुध रेखाएं तो अच्छा खासा साम्राज्य क्रिएट करोगे, उसमें कोई दो राय नहीं। एक समय ऐसा आएगा कि आपकी खुद की कंपनी होगी या किसी बड़ी कंपनी के अच्छे अधिकारी, बड़े अधिकारी बनोगे। शुक्र पर्वत भी अच्छा है, व्यवस्थित है, तो व्यक्ति अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छी तरह रहता है, गर्मी पसंद नहीं आती, खुद का प्रेजेंटेशन काफी अच्छा रखता है, तो ये भी एडवांटेज आपके हाथ में है। आपकी हृदय रेखा पूरी घुमाव ले रही है, इस तरह की हृदय रेखा हो और ये थोड़ा सा गुस्सा दिलाती कव लेती है, तो ऐसे लोगों को जवानी में और टीनेज में प्यार का प्रदर्शन करना अच्छा लगता है, पर ये बहुत अच्छे स्वभाव के लोग होते हैं, किसी से दुश्मनी नहीं, सबसे अच्छी तरह से रहना, यानी एक तरह के देवदूत होते हैं। मैं इस तरह की हृदय रेखा वालों को देवदूत ही मानता हूं, बहुत पोलाइट स्वभाव होता है और सबसे मित्रतापूर्ण व्यवहार वाला स्वभाव रहता है, तो ये बहुत अच्छी लाइन है आपके हाथ में। और एक दो लाइनें नीचे जा रही है, मित्रों को, सगे संबंधियों को हेल्प करोगे, वो पैसा वापस नहीं आएगा। और यहाँ पर एक दो फ्लड लाइनें भी है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है, और ये लाइनें माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में होती है। अब आपकी माइंड लाइन, दोनों के बीच में बड़ा गैप है, जब गैप होता है तो व्यक्ति जिद्दी होता है, किसी के कंट्रोल में काम करना पसंद नहीं आता, दबाव पसंद नहीं करता, पर इनमें बहुत अच्छी खासियत होती है, अगर परिवार का वाला व्यक्ति कोई तकलीफ में है तो सबसे पहले ये खड़े रहेंगे, अपनी जिम्मेदारियों से कभी भागते नहीं, पर जैसे ही उस व्यक्ति की स्थिति अच्छी हो गई वहां से निकल जाएंगे, ये इनकी स्वभाव में रहता है। और जब जुपिटर से आपकी माइंड लाइन शुरू होती है तो बहुत महत्वाकांक्षी बनाती है व्यक्ति को, और ये अच्छी खासी चलकर 38 के आसपास मुझे कहीं ना कहीं ब्रेक लग रहा है, तो कोई ना कोई ऐसी घटना घटेगी जो आपको थोड़ा सा विचलित करेगी 34 से लेकर 38 के बीच में, उसके बाद आप जीवन के प्रति सीरियस बनोगे और अच्छी खासी माइंड लाइन ऊपर की तरफ देख रही है, तो कोई ना कोई पैसा कमाने का गुण भी आप में भरपूर आएगा। अब आपके हाथ में इतनी सारी लाइन है कि सारी तो स्पष्ट आ ही नहीं सकती, एक लगभग मुझे मेरे ज्ञान के अनुसार एक 24 के आसपास आपके यात्रा होनी चाहिए, यात्रा की होगी, एक 26 के आसपास आपके जीवन में यात्रा दिख रही है। सेकंड चीज देखें तो यहाँ से 20 के आसपास से राहु रेखाएं शुरू हुई, तो अप टू 37-38 तक ये राहु रेखा है और हर एक दो साल में इस तरह से कट कर रही है, तो ये जब गल्फ में आप अगर काम करते होंगे तो ये आपको तकलीफों में ज़्यादा डालेगी, और नॉर्थ पोल के आसपास चले गए तो आपको तकलीफें तो आएगी पर कम आएगी, तो ये एक माइनस पॉइंट आपके हाथ में है
पर इतनी बड़ी भी राहु रेखा है नहीं कि बहुत ज़्यादा 19-20 हो जाएगा, पर गल्फ में इतनी छोटी रेखा भी व्यक्ति को जॉब छुड़ा देती है, तो ये माइनस पॉइंट रहता है और कोई ना कोई आर्थिक नुकसान हमें झेलना पड़ता है। ये कंडीशन है आपके हाथ में और उसके बाद कोई राहु रेखा ही नहीं है, तो जीवन काफ़ी स्मूथ रहेगा और ये यात्रा आपको ज़्यादा करवाएगी। अब आपकी फेट लाइन को देखें तो फेट लाइन पर भी एक कट लगभग ये 25 के आसपास लगा, एक कट आपको लगभग 26 के आसपास है, एक कट 29 के आसपास, एक कट 34 में, एक कट 37 में, ये इतने कट आपको लग रहे हैं। उसके बाद ये सारे इन्वेस्टमेंट के कट है, ये एक छोटा सा कट लग सकता है 48 के आसपास, और अच्छी खासी धन रेखा ऊपर तरफ जा रही है और बहुत जगह से आपको इनकम आती रहेगी। तो ज़्यादा टेंस मत लो, इतनी रुकावटों के बाद भी आपका जीवन अच्छा खासा पैसे वाला बनने वाला है। ठीक है, थोड़े साल स्ट्रगल रहेगा जीवन में, पर उसके बाद उन्नति उन्नति लिखी हुई है आपके हाथ में, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, माइनस पॉइंट ये है पारिवारिक और सांसारिक सुख, तो ये भी बहुत बड़ा मायने रखता है जीवन में किसी भी व्यक्ति के हाथ में, क्योंकि व्यक्ति जब जन्म लेता है तो उसे कहीं ना कहीं शादी करके सेटल होने का मन करता ही है, और ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्टर्बेंस देता है। पर साथ में एडवांटेज, आपके यहाँ पर बहुत सारी फिश साइन है, तो ये एडवांटेज है, पैसा भरपूर आएगा आपके पास। ये आपको नेगेटिव फीलिंग आएगी जब भी काटेगी, कोई ना कोई रुकावट आएगी, कोई ना कोई लॉस देगी आपको, और ये जब धन रेखा पर भी कट आएगा तो कोई ना कोई खर्च या नुकसान आपको जाएगा। पर ये सबका ओवरऑल हिसाब लगाऊं तो जीवन के अंत तक बहुत ज़्यादा पैसे वाले बनकर बाहर निकलोगे। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।